News 18, India. कभी कभी बातें सीधे नहीं कही जाती, हालांकि जैसे मोहब्बत, शर्मा जी मोहब्बत किए हैं क्या? ऐसा कौन है जिसने मोहब्बत ना ऐसा कौन है जिसने मोहब्बत की है, लेकिन जब वो राजनीति पे मोहब्बत की जाती है तो उसमें गीता का वही सिद्धांत लागू हो जाता है, आत्मा अजर अमर है लेकिन शरीर बदलती रहती है। तो वो शरीर बदल रही है। बाबूजी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ आपका? दिल्ली से। दिल्ली से क्या नाम हो गया सर? सहानी। सहानी, सहानी साहब क्या यही नोएडा में रहते हैं? हाँ जी। अच्छा, कुछ कहना चाहते हैं देश दुनिया? जय श्री राम। ये तो भैया बड़ा मुश्किल है मामला अभी जी। हाँ जी, एक बात कहना चाहते हैं। अच्छा, बिहार के जी। बिहार का आदमी बहुत थोड़ी देर में खुलता है। जब मैं पहले बार आया था तो आप नहीं बोले कुछ, अब आपको याद आ रहा है कुछ, बोलिए। माइंड में कुछ स्ट्राइक किया है। हाँ, तो बहुत अच्छा, जल्दी कर गया वैसे। साहब अभी दो महीने। कहाँ की रहने वाली हैं आप? हम कानपुर। गजब का कॉम्बिनेशन खड़ा है, बिहार के बगल में कानपुर है। जरा चूका चाप देंगे अभी थोड़ी देर में। कानपुर है ये, मजाक में ना समझे। हाँ बोलिए साहब। अब दो तीन महीने जितना भी ड्रामा चलेगा हिंदुस्तान में, डेट फिक्स हो चुकी है, मोदी सरकार आनी आनी है। कुछ भी कर लो आप लोग, मोदी जी हैं तो मुमकिन। इसको बोलने के लिए आपको पूरे 45 मिनट लगे। 45 मिनट पहले मैं आया था। जी जनाब, जय श्री राम। मोदी जी हैं तो एकदम मुमकिन है, इसमें कोई शंका सवाल मतलब शंका नहीं है, कोई शको शुबा नहीं है। नमस्ते। आना है तो आना है, आना है तो आना है। जी नमस्ते। नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? इंदौर से। अरे बहुत अच्छी जगह है, सात सात बार लगातार आप सफाई में शहर आपका अव्वल आ रहा है, और पांच पांच बार वो पलटी मार रहे हैं। वो पांच बार पलटी मार चुके हैं। समता पार्टी बनाई थी, आपको ध्यान होगा, जनता दल से अलग हुए थे, समता पार्टी बनाई थी, और अब इनका देखिए क्या होगा। हम इनसे सवाल यही पूछने वाले हैं कि अब सुशासन बाबू कैसा चलेगा? अब तो कहना पड़ेगा कि सुशासन बाबू कहना पड़ेगा ना। नीतीश जी ने दोनों हाथों में तस्तरी रखे हुए हैं, कभी इधर खिलाते हैं कभी उधर। क्या नाम है? कोमल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर नाम। और इनका? वाची। हा? वाची नाम है। वाची। वाची देख रही बड़े गौर से माइक को, आने वाला समय जो है ये पहचानना चाहती। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ हुजूर इधर। हाँ, आप कहाँ से आइए? आगे आइए, इधर आइए, नोएडा से। क्या नाम है आपका? प्रिया। प्रिया, प्रिया क्या काम करती हैं आप? मैं लेदर गारमेंट मैन्युफैक्चरर हूँ। लेदर मैन्युफैक्चरर है, गारमेंट पे मैन्युफैक्चरर। इधर आइए, इधर। लोगों ने बताया कि लेदर के तमाम सारे लोग जो कानपुर में थे वो नोएडा में आके उन्होंने बड़े बड़े शोरूम्स खोले, ये बात सही है? जी बिल्कुल सही। कानपुर से सब हट गया? नहीं ऐसा नहीं है, हट गया, बट यहाँ पे कमर्शियलाइजेशन ज्यादा है, ज्यादा तो यहाँ पे बिक्री ज्यादा और एक्सपोर्टर भी यहाँ आने में ज्यादा। बिल्कुल। और वो अब कोलकाता और चेन्नई सेंटर है बड़ा? सर नहीं, लेदर डेवलपमेंट वही होता है, सेलिंग यहाँ होती है क्योंकि कंज्यूमर बेस। अरे ये ना सोचिए कि लेदर पे चले गए ये। नहीं, आपका प्रभात जी यही है कि ये बिहार पे रहे, उसी पे मुद्दे पर हम सब जगह की बात करेंगे, हम सब जगह की बात करेंगे। अभी अगर कोई लेदर एक्सपोर्टर मिल गया मुझे तो मुझे बात करनी पड़ेगी। तो कैसा है अभी भविष्य, कैसा है? बाहर थोड़ा सा कमजोर हो रहा है क्योंकि इकोनॉमी। बजट में कुछ एक्सपेक्टेशंस? बिल्कुल डेफिनेटली सर, हमारी जो सरकार है वो हमें सपोर्ट करने के लिए जितना बेस्ट हो रहा है, क्योंकि एक्सपोर्ट करने से हमारी ही कंट्री को बड़ा डिफिकल्ट होगा चाइना से भी कम्पीट करना इस वक्त लेदर में। चाइना लेदर इतना नहीं कर सकती, चाइना पीयू में ज्यादा मैन्युफैक्चर। अच्छा, देखिए सब पता कर ले सर, पता करते रहना चाहिए सब। और आप हुजूर कहाँ से हैं? मैं इंदिरापुरम से आया। इंदिरापुरम से क्या काम करते हैं साहब? मैं पूर्व मिलिट्री अधिकारी। क्या नाम है साहब? सचिन। सचिन, सचिन साहब अंदर आइए। आज तो 26 जनवरी है, आज तो इनका ही दिन है, वैसे भी तो पूरे दिन इन्हीं का है। कुछ कहना चाहते हैं सचिन जी? हाँ मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ, उससे पहले मैं जो ये विपक्ष के जितने भी प्रवक्ता है उनको मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। अरे कुछ कहिएगा नहीं, मैं मामला में नीतीश की वजह से हुआ, इनकी कोई गलती नहीं है भैया, ये सब बहुत अच्छे लोग हैं। प्रभात जी कितने अच्छे आदमी, ये बहुत बढ़िया आदमी, समाजवादी वाले। अब नीतीश जी कुछ करते तो इनका क्या, विपक्ष वालों का क्या करना? मैं उन्हीं के लिए बोलना चाहता हूँ, विपक्ष के लिए, हम करें तो रासलीला, बीजेपी करे तो कैरेक्टर ढीला। अरे भाई, मैंने खैर ये थोड़ा सा स्टेटमेंट थोड़ा सा अंडर चला गया, लेकिन कोई बात नहीं। सुमित जी मैं आपका स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत है।
मैं आया नीतीश जी बीजेपी। ये 22 जनवरी का जो मुहूर्त है उसका कमाल है, तब से 22 जनवरी से जनता और राजनेता सारे लोग ये सोच रहे हैं कि हम मन से वचन से कर्म से किसके साथ खड़े हैं, सोचने को मजबूर हैं। एक सजा याफ्ता के साथ सरकार चला रहे थे जिसको भ्रष्टाचार के आरोप में, जिसको लालू प्रसाद यादव के भ्रष्टाचार के आरोप में अदालत ने सजा सुना रखी है, उसके साथ खड़े हों, उसके साथ नीतीश खड़े हों, ये सोच रहे हैं उस मुहूर्त के बाद कि जिसको जमानत राहुल गांधी सोनिया गांधी भ्रष्टाचार के आरोप में अदालत ने जमानत दे रखी है। यानी रामचंद्र जी का ये कमाल है, उस मुहूर्त का कमाल है, 22 तारीख का। ये खड़ी है ज्योतिषी बगल में। हाँ जी एक मिनट, वन बाय वन, एक मिनट, एक मिनट। आरोप लगाया है इन्होंने, मैं अगर आपसे पूछूं आपके भ्रष्टाचार की बात, तो मैं अगर येदियुरप्पा पे आपसे पूछ लूं, और छोड़ो येदियुरप्पा, हमारे ही से हिमंता विश्व शर्मा क्या कहते थे, सिंचाई घोटाला आज सर पे बिठा लिया, ज्योतिराज सिंधिया के बारे में कहते थे परिवारवाद, आज पाले में आ गए तो सब कुछ खत्म। नारायण राणे और सबसे बड़ी बात प्रतीक भाई भ्रष्टाचार की बात ये कर रहे हैं। अजीत पवार के बारे में 2 दिन पहले कहा 70,000 करोड़ और सुबह में गलबहियां शुरू। भारती जी थोड़ा चिंतन अपने गठबंधन के लिए कर लो कि आज राम ही जाने इनका क्या होगा, इनसे मोहब्बत की बात करी थी, यहाँ पे तो सारे के सारे सनम ही बेवफा हैं। सनम बेवफा। हाँ जी एक हम कहना चाहते हैं कि आज की जो आप भी कहने लगे हैं, कलाट प्रधान लगेंगे थोड़े दिनों में। आज की जो राजनीति में लोग कहते हैं कि धर्म को लोग लाते हैं, और मैं कहता हूं कि आज की राजनीति में धर्म की जरूरत है। अगर अयोध्या में राम मंदिर बना है तो राम के त्याग को इस राजनीति में लाने की जरूरत है। सबरी और के झूठे पैर खाए थे, उस भेदभाव को खत्म करने की जरूरत है। अगर सनातन संस्कृति है हमारा, ये ऐसा है कि कैनॉट प्लेस में 5:30 बजे सब प्रवक्ता इकट्ठा होते हैं, कल वही शो करेंगे, वही आ जाना, तुम्हारा भविष्य अच्छा दिख रहा है मुझे। मैं 2 बात करूंगा, देख लीजिए। अरे क्या देखिए, यही कह करके सुन लीजिए, यही बात कह के कल 5 मस्जिदों के ताला तोड़ दिया लोगों ने, गेट तोड़ दिया, क्या समझेगा दुनिया का मुसलमान भारत के मुसलमान के बारे में, यही बात चुभती है। ला, 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 ला। अंतर सर आपको चुभती है, अरे जहां राम का नाम लेने वालों पर गोलियां चलवाने, जब आप नहीं आप पत्थरबाजी करें तो ये गड़बड़ है भाई, बिल्कुल पत्थरबाजी गड़बड़ है। सर आप राम के नाम से चिढ़ते रहो देश कहेगा, लेकिन देश राम ही नहीं। आज सुनो, देखो मैं कहीं पत्थरबाजी हो किसी मस्जिद पे कुछ हो, ये गलत है, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज मैं सारे देश की जनता से कहता हूँ, बोलो नमः पार्वती पताये हर हर। लेकिन अगर आप ये उद्घोष करवा रहे हैं तो एक बात का ध्यान